subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. सेक्टर 16 में बालाजी दर्शन सोसाइटी के निवासी आरोपी मोनिश घरत ने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के सदस्यों से परेशान था, क्योंकि 10 साल पहले अपने पिता की हत्या के बाद वह खुद को दरकिनार महसूस कर रहा था। मंगलवार रात उसकी अपने भाई से तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद भाई ने उल्वे पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। कहा जाता है कि घरत ने सबसे पहले अपने सोसाइटी के लोहे के गेट पर प्रहार किया, उसे तोड़ दिया। वह बाहर निकला और वहां खड़ी दो कारों को टक्कर मार दी, आसपास खड़ी पार्किंग में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और भागने की कोशिश की। तो मोनिश घरत अपने डंपर में घुस गया। इसकी खबर लगते ही उल्वे पुलिस ने उसका पीछा किया, कई वाहनों को, एक पुलिस की गाड़ी को डंपर से ठोक दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को दो राउंड हवा में फायरिंग करनी पड़ी। घटना रात के 2:45 से 2:30 के बीच बालाजी सोसाइटी से शुरू हुई और सेक्टर 10B में उल्वे पुलिस चौकी पर समाप्त हुई। घटना के बाद भरत को हिरासत में लिया गया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी अधिक जानकारी जोन 2 के डेप्यूटी कमिश्नर पंकज दहाने ने दी। यामध्ये एक घरगुती भांडणावरून पोलिसांना कॉल आला होता। त्यातला जो आरोपी आहे या प्रकरणातला, यांनी त्या स्वतःच्या भावाच्या भावाने पोलिसांकडे तक्रार दिली। त्या रागातून घरातूनच डंपर घेऊन स्वतःच्या घराच्या बिल्डिंगच्या कंपाऊंडचा दरवाजा तोडला। काही वाहनांचं सुद्धा त्याच्यामध्ये नुकसान झालेलं आहे, त्याच्या घराच्या जवळच्या प्रायव्हेट लोकांच्या वाहनांचं। त्याच्यामध्ये पोलिसांनी तत्काळ त्यांना त्यामध्ये हे घेतला, भाग घेतला आणि त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करून त्याच्यावर त्यांना आता आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यांनी काय गोळीबार केला असं म्हटलं आम्हाला, नंतर पुन्हा सिक्युरिटीसाठी पोलिसांनी पण केले? त्यांनी वगैरे गोळीबार केलेला नाही, पोलिसांनी त्याला थांबवण्याच्या प्रयत्नामध्ये त्याच्यावर गोळीबार केलेला होता। त्याला आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। चौकशी काय झाली त्याची विचारणा काय? सध्या चालू आहे चौकशी। त्याला अटक केली, गुन्हा दाखल झाला? गुन्हा दाखल झालेला आहे। तनु यादव की रिपोर्ट, आवाज टुडे, उल्वे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.